आइए अब हम बात करते हैं ब्लॉग की। साथियों, ब्लॉग एक ऐसा स्पेस है जहां पर आप आपके डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ रफ नोट्स या आपका अभिमत भी आप यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैं आज मेरा अनुभव लिखना चाह रही हूं, चलिए तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ब्लॉग पर क्लिक करना है। अब क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें मैं मेरा अनुभव लिख सकती हूं, लेकिन यहां पर टाइटल पूछा गया है तो मैं यहां पर टाइटल दे रही हूं मेरा अनुभव। अब नीचे मेरा जो अनुभव है उसे मैं यहां पर हिंदी में लिख रही हूं। NROER एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी और अपने वर्क को दूसरों तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं। अब इसे मैं सेव कर देती हूं, तो सेव ऑप्शन में जाइए और वहां पर क्लिक करिए। तो मेरा अनुभव जो मैंने यहां पर लिखा है वो सेव हो गया है, तो इस प्रकार से आपको वो दिखाई देगा ब्लॉग में। चलिए अब हम बात करते हैं ऑथरिंग की। ऑथरिंग में आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पेजेस, एसेट कलेक्शन, असेसमेंट, एडिट स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन है पेजेस। जब आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट करेंगे तब आप इन पेजेस पर उसका विवरण लिखेंगे। दूसरा है एसेट कलेक्शन। आपके कंटेंट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस आपको लगेंगे वो इस एसेट कलेक्शन में आप रख सकते हैं। तीसरा है असेसमेंट। बच्चों ने क्या क्या सीखा और कितना सीखा, इसे जानने के लिए हम असेसमेंट का उपयोग करते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है एडिट स्ट्रक्चर। जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसमें अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तब आप इस एडिट स्ट्रक्चर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डिजिटल कंटेंट को कैसे बनाया जाता है, इसे जानने के लिए देखें हमारा अगला वीडियो।